एवं उद्देश्य इस चैप्टर से हम लोग व्यवसाय क्या है, इसमें किस प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, व्यवसाय पेशा और रोज़गार में क्या तुलना है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्यवसाय पेशा और रोज़गार, ये तीन जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपने जाना कि व्यवसाय दरअसल क्या है। व्यवसाय दरअसल उन आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है जिसका संबंध लाभ कमाने से है। इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय या सेवाओं की पूर्ति की जाती है, और व्यवसाय में जो भी संलग्न व्यक्ति होता है वह अपनी आय को लाभ के रूप में दर्शाता है। बात करें पेशे की, तो इसमें वे क्रियाएँ शामिल हैं जो विशेष ज्ञान और दक्षता की मांग करती हैं, और व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधे में आय अर्जन के लिए करता है। इस प्रकार की क्रियाओं के लिए पेशेवर संस्थाएं जो हैं साधारणतया कुछ मार्गदर्शिकाएं या आचार संहिताएं मतलब व्यवहार करने के लिए जो नियम उपनियम हैं, ठीक है, इन्हें कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। आचार संहिता पेशे में संलग्न व्यक्तियों को पेशेवर कहा जाता है, जैसे कि चिकित्सक, चिकित्सा पेशे में भारतीय चिकित्सक परिषद के अनुसार, इंडियन मेडिकल काउंसिल के अनुसार नियम बनाए जाते हैं और वही लागू होते हैं। वकील जो है ना, वो भारतीय बार काउंसिल के अनुसार उनके पेशे के अनुरूप जो भी नियम हैं उन्हें वो पालन करते हैं। बात करें अगर हम लेखाकार के प्रोफेशन की, तो इसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट वह संस्थान है जहाँ से आप लेखाकार यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर पाते हैं। तो उनके द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार आप काम करते हैं। तो ये हो गया पेशा। रोज़गार की बात करें तो उन धंधों से इसका संबंध है जहाँ लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं। रोज़गार का तात्पर्य कहीं पे सरकारी अथवा निजी नौकरी करना है, और बदले में ये लोग क्या पाते हैं, पारिश्रमिक पाते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा जो बात अभी हमने सुनी, हम इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो रोज़गार की बात है, ये आप जानते हैं कि विभिन्न कारखानों में जो लोग काम करते हैं उन्हें वेतन अथवा मजदूरी मिलती है, ठीक है। बैंकों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों के कार्यालय में प्रबंधक, सहायक, क्लर्क, चपरासी, चौकीदार, ये सब लोग दरअसल वहाँ पे रोज़गार प्राप्त करते हैं और वहाँ पे बदले में अपनी सेवाएँ देते हैं और पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो चलिए व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं। व्यवसायिक क्रियाओं को दो विस्तृत वर्गों में बांटा जाता है, एक तो होता है उद्योग और दूसरा वाणिज्य। उद्योग से तात्पर्य क्या है, वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रियण। अब ये प्रक्रियण क्या है आगे जानते हैं। देखिए, उद्योग में या तो वस्तुओं का उत्पादन आएगा, या प्रक्रियण का तात्पर्य होता है, इसको आप अंग्रेज़ी में जो शब्द इस्तेमाल इसके लिए करते हैं वह होता है प्रोसेसिंग। क्या होता है, प्रोसेसिंग, इसे हम डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है। वाणिज्य में क्या क्या शामिल है, वाणिज्य में दरअसल वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं, ऐसी समस्त क्रियाएं, सभी क्रियाएं जो वस्तुओं के आदान प्रदान, संभरण तथा वितरण को संभव बनाती हैं, ठीक है। संभरण से तात्पर्य यहाँ पर है उनको स्टोर करना, स्टोरेशन, ठीक है, और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज, ठीक। दो वर्गों के आधार पर हम व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक उद्यम तथा वाणिज्यिक उद्यम की श्रेणियों में विभक्त करते हैं। मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, जो व्यावसायिक फर्में हैं यानी कि जो व्यवसाय के कार्य में लगी हुई फर्म होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तो औद्योगिक उद्यम है, औद्योगिक उद्यम यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और दूसरी वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल यूनिट। संक्षेप में बता दें, उसके बाद में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जो संस्थाएँ वस्तुओं का निर्माण करती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल यूनिट। वस्तुओं का उत्पादन या उनका फॉर्म चेंज करके, उनका रूप बदल करके, जैसे कि धान से चावल बना देना, आटे गेहूं को आटा, आटे से ब्रेड में तब्दील कर देना, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक। और वाणिज्यिक उद्यम वो होते हैं जो वस्तुओं का उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन के पश्चात उनका
क्रय विक्रय, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका स्टोरेशन, ये सब सुनिश्चित करते हैं। ठीक, इसमें तमाम तरह की संस्थाएं जैसे कि बैंक हैं, इंश्योरेंस हैं, ये संस्थाएं भी शामिल होती हैं। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में उद्योग की। तो उद्योग क्या है? उद्योग दरअसल वह आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना। संसाधन कौन से होते हैं? तो संसाधनों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हमें जानना होगा संसाधन क्या होते हैं। तो जब संसाधनों की बात करें तो संसाधन में दरअसल आते हैं भूमि। संसाधन में क्या क्या आता है? संसाधन में आता है भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, जिसे उद्यमिता भी बोलते हैं। उद्यमिता, ये दरअसल उत्पादन के साधन हैं। ज़मीन चाहिए होगी ना, कहीं फैक्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए होगा। जब ज़मीन भी हो और पैसा भी हो तो कच्चे माल को उत्पादन में बदलने के लिए क्या चाहिए? लेबरर चाहिए। और इन सब को इकट्ठा करने वाला चाहिए वह व्यक्ति, जिसे व्यापारी या उद्योगपति के नाम से आप जानते हैं, जिसमें रिस्क लेने की हिम्मत या साहस होता है, इसको उद्यमिता का नाम दिया जाता है। और उस व्यक्ति को उद्यमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यमी। ठीक, तो कुल मिलाकर के उद्योग क्या है? संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना। संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना ही उद्योग है। तो उद्योग शब्द का जब प्रयोग की बात करें तो ये कब, कहाँ, कैसे हुआ, तो चलिए हम जानते हैं। उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिसमें यांत्रिक उपकरण, तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। इनमें वस्तुओं के उत्पादन अथवा प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं भी शामिल होती हैं। व्यापक अर्थों में उद्योग का अर्थ समान वस्तुओं अथवा संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के समूह से है। उदाहरण के लिए रुई अथवा कपास से सूती वस्त्र आदि बनाने वाली सभी इकाइयों को उद्योग बोलते हैं। इन्हीं के समकक्ष बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएँ भी उद्योग कहलाती हैं, जैसे कि बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग वगैरह। उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी तीन श्रेणियां हैं, जल्दी से हम इन्हें देखते हैं। एक तो आपका है प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीयक उद्योग और तीसरा सेवा उद्योग। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें क्या क्या आता है? प्राथमिक उद्योग में वह सभी उद्योग शामिल हैं जो दरअसल आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कृषि, ठीक है, इससे कपास बनाना, ठीक है। अब कृषि से कपास बनती है तो ये प्राथमिक उद्योग हो गया। इसमें मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, ये सब शामिल होता है। ठीक, दूसरा आता है द्वितीयक उद्योग, माध्यमिक उद्योग। क्या होता है माध्यमिक उद्योग? का मतलब है कि ये जो प्राथमिक उद्योग के उत्पाद होते हैं, जब इन पे प्रोसेसिंग की जाती है और इनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह सेकेंडरी उद्योग में होता है। जैसे प्राथमिक उद्योग का जो प्रोडक्शन है उत्पाद कपास, इसको सूती कपड़े में तब्दील कर देना, ये काम कहाँ होगा? ये द्वितीयक उद्योग में होगा। इन्हें सेकेंडरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इसमें जैसे टेक्सटाइल मिल्स आती है ना, सूती कपड़े की, कपड़े की मिल वगैरह। और जो तृतीयक होता है ये सेवा उद्योग होता है। तो हम थोड़ा सा जानते हैं प्राथमिक उद्योग में क्या क्या आता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि क्रियाएँ, वह क्रियाएँ, समस्त क्रियाएँ जिनका संबंध प्राथमिक संस्थानों के खनन एवं उत्पादन, पशु एवं वनस्पति के विकास से है। ठीक, इनको भी कुछ आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निष्कर्षण उद्योग क्या होते हैं? निष्कर्षण का मतलब होता है निकाल के लाना, मतलब प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करने वाले जो उद्योग हैं, उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करना। ठीक है, इसमें क्या होगा? कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे ये। जैसे इसमें क्या क्या शामिल होगा?
इसमें जो शामिल होगा वह उत्पाद होंगे जो भूमि से प्राप्त होते हैं। इन उद्योगों के उत्पादों को दूसरे विनिर्माणी उद्योगों द्वारा बहुत सी उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो दूसरे विनिर्माणी उद्योग होते हैं यही जो है सेकेंडरी उद्योग कहलाते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होगा? खेती करना, उत्खनन यानी कि किसी खान से कोई धातु या कोई भी उपयोगी चीज़ जैसे कि कोयला वगैरह निकालना है, इमारती लकड़ी, शिकार तथा मछली पकड़ना वगैरह। जननिक, ये अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा निष्कर्षण उद्योग। जननिक उद्योग वो होते हैं जिसमें हम पशु पक्षियों का प्रजनन पालन, वनस्पतियों को उगाना करते हैं ताकि हम आगे उनका उपयोग कर सकें। जननिक उद्योग पौधों के प्रजनन के लिए बीज तथा पौध संवर्धन नर्सरी कंपनियां वगैरह इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो पशु प्रजनन फार्म है, मुर्गी पालन, मछली पालन वगैरह, वह सब जननिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो दो तरह के आपने उद्योग जान लिए। पहला तो आपने जाना कि उद्योग तीन प्रकार के हैं। ठीक, और उद्योगों में पहला क्या था, प्राथमिक उद्योग, उसमें दो तरह के उद्योग हो गए, एक तो निष्कर्षण उद्योग, ठीक है, क्या हो गया, निष्कर्षण उद्योग, और दूसरा जननिक उद्योग। अब हम बात करते हैं द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग की। ठीक, इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत जो भी माल निष्कर्षित किया गया है खनन उद्योगों के द्वारा, ठीक है, इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल को अंतिम उपयोग के लिए प्रयोग में लाया नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें दूसरे उद्योगों में आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे कच्चा लोहा जो है ये खनन से उत्कर्षण उद्योगों के माध्यम से निकाला गया, लेकिन कच्चे लोहे का कोई उपयोग नहीं हो सकता, उसका उपयोग द्वितीयक आयरन इंडस्ट्री में होगा, द्वितीयक उद्योग में, और वो उससे या तो लोहा बनाएंगे या स्टील बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो माध्यमिक उद्योगों को आगे उपयोग में लाया जा सकता है। इनको अगर आगे बांटना है तो इन्हें और विभक्त जब किया जाएगा तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, जरा इसे जल्दी से देखिए। इसके अंतर्गत जो आएगा वो आएगा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या होता है? विनिर्माण उद्योग वो होते हैं जो कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। ऐसे माल ये बनाते हैं कच्चे माल से, जैसे कि कच्चा लोहा, उससे क्या बनाया गया, मान लिया उससे हथौड़ा बनाया गया, पेचकस बनाया गया, या कोई भी ऐसी डेली दैनिक उपयोग की चीज़ बनाई गई। तो ये जो विनिर्माण उद्योग हैं द्वितीयक उद्योग का हिस्सा है, और इसके भी कुछ चार श्रेणियाँ हैं। थोड़ा सा देखते हैं, हम इन्हें जानने की कोशिश करते हैं, ये चार श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले आता है विश्लेषणात्मक उद्योग। ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण एवं पृथकीकरण द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं। विश्लेषणात्मक विश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। जैसे मान लेते हैं तेल शोधक कारखाने इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लिया पृथ्वी से प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत उत्कर्षण से कच्चा तेल निकाला गया, ठीक, और कच्चा तेल में से केरोसिन ऑयल अलग किया गया, ओके, और केरोसिन ऑयल के अलावा पेट्रोल अलग किया गया, जो एरोप्लेन फ्यूल होता है उसे अलग किया गया, डीजल अलग किया गया, तो इसको बोला जाएगा विश्लेषणात्मक उद्योग। ये कच्चे तेल से अलग अलग चीज़ों को पृथक करता है, इसे पृथकीकरण बोलते हैं। कृत्रिम उद्योग क्या है? कृत्रिम उद्योग विभिन्न संघटकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा उन्हें एक नए उत्पाद का रूप दे देते हैं। जैसे सीमेंट, सीमेंट कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो बना बनाया निकलता हो, सीमेंट दरअसल कई चीज़ों को मिला करके बनाया जाने वाला पदार्थ है, इसे कृत्रिम उद्योग बोलते हैं, ये कृत्रिम उत्पाद है। प्रक्रियाई उद्योग, इन्हें आप बोलते हैं ऐसे उद्योग जो एक प्रोसेस का प्रक्रियागत होते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होते हैं, यानी कि इसमें कई सारी स्टेजेस से गुजर करके वस्तु बनती है। जैसे चीनी और कागज़ उद्योग है, चीनी की बात कर लेते हैं। पहले गन्ना उगाया जाता है प्राथमिक उद्योग के माध्यम से, फिर जब वो पहुंचता है सेकेंडरी उद्योग यानी कि चीनी मिलों में, तो उसको पहले क्रश किया जाता है, फिर उससे उसका जो रस होता है गन्ने का वो निकाला जाता है, बॉयलर में उबाला जाता है, फिर उसको इतना उबाला जाता है उससे अल्कोहल और तमाम चीज़ें जो खादों के रूप में उपयोग की जाती हैं, मई वगैरह उसे बोलते हैं, उसका उपयोग, यानी कि खाद अलग बन गई, अल्कोहल अलग बन गई, तमाम और रसायन अलग बन गए, और जो बाकी जो बचा रह गया वो चीनी कहलाया। तो एक इसकी स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस होती है, और इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम प्रक्रमीय यानी कि प्रोसेस इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद बात आती है सम्मेलित उद्योग। ये सम्मेलित उद्योग को बोलते हैं असेंबली,
सम्मेलन करना यानी कि असेंबल करना। तो सम्मिलित उद्योग क्या है, जब भी हम कोई नया उत्पाद बनाना चाहें तो उसमें हम अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न कंपोनेंट को एक साथ असेंबल कर लें, तो वह कहलाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसको ज़रा सा समझिएगा, टेलीविज़न आपने देखा होगा, उसमें स्पीकर कोई अलग कंपनी का होगा, तमाम जो उसमें पार्ट होते हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं। कंप्यूटर की बात कर लें, कंप्यूटर तो सभी लोग आप चलाते ही हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी अलग है, मॉनिटर बनाने वाली कंपनी अलग है, माउस किसी और का, कीबोर्ड किसी और का, तो ये सब अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के पार्ट्स को एक साथ मिला करके असेंबल करके प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कंप्यूटर। तो ये अभी आपने पढ़ा द्वितीयक उद्योगों के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग जो है। विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत आपने पढ़े क्या, चार, विश्लेषणात्मक उद्योग, कृत्रिम उद्योग और प्रक्रियाई यानी कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और सम्मिलित उद्योग यानी असेंबल्ड इंडस्ट्री। ठीक, इसके बाद आता है निर्माण उद्योग। अब विनिर्माण तो पढ़ लिया, अब निर्माण पढ़ेंगे। तो निर्माण में क्या आता है, जैसे कि भवन निर्माण, बांध, पुल, सड़क वगैरह, ये बनाने वाली कंपनियां इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें अभियांत्रिकी यानी कि जो तमाम तरह के टूल्स होंगे उनका उपयोग किया जाएगा, और वास्तुकलात्मक यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह से संबंधित निर्माण की कंपनियां होंगी वो शामिल होंगी। ठीक है, एक और जल्दी से पढ़ लेते हैं, वह है तृतीयक और सेवा उद्योग। इसमें क्या आता है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को ये आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, इनको विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग दोनों को सेवाएँ जो उपलब्ध कराता है उसको तृतीयक सेवा या सेवा उद्योग बोलते हैं। ठीक है, ये विभिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। ठीक, व्यवसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं, क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता करते हैं। इस वर्ग में यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल गोदाम, दूरसंचार, डिब्बाबंदी, ये विज्ञापन वगैरह सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि उद्योग तो आप समझ गए होंगे, इसे दोबारा रिवाइंड करके आप देखेंगे, कोई डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा। उद्योग के बाद हम बात करते हैं वाणिज्य की। देखिए, वाणिज्य में दरअसल दो प्रकार की क्रियाएं इसमें शामिल की जाती हैं। पहली वे जो माल की बिक्री तथा विनिमय से संबंधित हैं, इनको बोला जाएगा व्यापार, माल का क्रय विक्रय, व्यापार, ये एक क्रिया हो गई। दूसरी वे विभिन्न क्रियाएँ जो व्यापार में सहायक होती हैं, इन्हें सेवाएं अथवा व्यापार की सहायक क्रियाएं कहा जाता है। तो वाणिज्य के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा है व्यापार और दूसरा क्या है, व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, व्यापार की सहायक क्रियाएं, इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसमें परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग यानी बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार यानी कि दूरसंचार तो आप लोग समझते ही हैं, टेलीफोन वगैरह, मोबाइल, विज्ञापन, पैकेजिंग, गोदाम व्यवस्था, ये सब शामिल होते हैं। वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आवश्यक कड़ी है, क्योंकि वाणिज्य के माध्यम से ही जो इंडस्ट्री है यानी कि उत्पादक जो है उसके द्वारा बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उपभोक्ता तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें वे सभी क्रियाएँ संबलित होती हैं जो वस्तुओं के अबाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए, अबाध मतलब अनइंटरप्टेड प्रवाह यानी फ्लो, यानी कि जो भी वस्तुएं जहां उपभोक्ताओं के द्वारा जिनकी मांग की जाती है उत्पादन क्षेत्र से, वे वस्तुएं बगैर किसी प्रॉब्लम के एक अनइंटरप्टेड फ्लो से उन तक पहुंच जाएं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वाणिज्य क्या है, वे क्रियाएँ जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं, विनिमय संबंधी बाधा को व्यापार दूर करता है और वस्तुओं को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाता है। परिवहन स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है जो वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बिक्री तक पहुंचाता है। संग्रहण यानी कि स्टोरेशन, ये क्या करता है, ये समय संबंधी रुकावट, जैसे आप जानते हैं कि जो गर्म कपड़े होते हैं वो सर्दियों में बनाना, जो कपड़े बनाने वाली जो संस्थाएं हैं वो सर्दियों में नहीं बनाती, उनका उत्पादन गर्मियों में ही शुरू हो जाता है। लेकिन गर्मियों में कोई जैकेट खरीदेगा क्या, वो तो सर्दियों में खरीदेगा। तो समय का जो एक गैप होता है